पंजाब में खुली आम आदमी पार्टी की पोल। बहुजन समाज पार्टी के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने किया बड़ा खुलासा। जी हां साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंग। अल्पसंख्यकों को आपस में लड़ाने की साजिश, नागपुरी भगवा ब्रिगेडी हमेशा सही करते आ रहे हैं और ऐसा ही एक मामला पंजाब के तरनतार जिले में सामने आया है, जहां पर यीशु ख्रिस्त के चर्च में बेअदबी को लेकर के एक मामला सामने आया है। इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों है खामोश, ऐसा सवाल जसवीर सिंह गढ़ी ने उठाया है। पंजाब की कानून व्यवस्था पिछले 5 महीनों से ठप चल रही है और इसी कानून व्यवस्था पर पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने उठाया है सवाल। कहा कि इस 5 महीनों की आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में जो है कानून व्यवस्था को ठप करके रख दिया है, जिसके वजह से सामान्य जनजीवन जो है वह बेहाल हो गया है। इसी बात को लेकर के पंजाब के बहुत फेमस और पॉपुलर सिंगर जो कि सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाने जाते थे, उसकी मौत भी इसी बात का एक नतीजा है। इसी बात को लेकर के उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर उठाए हैं बड़े सवाल। इस बात को लेकर के तरनतार जिले के चर्च में जाकर के वहां के फादर थॉमस और वहां के ईसाई समुदाय के साथ में मिलकर चर्चा करते वक्त उन्होंने यह आरोप जो है पंजाब के आम आदमी पार्टी पर लगाया है। उन्होंने यह आरोप लगाते हुए कहा है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वह कानून व्यवस्था को लेकर के सीरियस नहीं है और इसी बात का फायदा जो है कुछ असामाजिक तत्वों ने उठा है, जिसके वजह से प्रभु यीशु की बेअदबी हुई है और यह मामले की जांच अभी तक के नहीं हुई है। इस मामले को 7 दिन से ज्यादा हो चुका है और इस मामले को लेकर के सवाल खड़ा किया है। इस मामले को लेकर के समाज में जो है असामाजिक तत्व जो है हमेशा से ही आगे आ रहे हैं और इसी बात का फायदा जो है नागपुरी ब्रिगेड जो है वह ले रही है। हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने की बात वह करती आई है और अभी जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों को आपस में लड़ाने का मामला जो है वह सामने आया है और इसी बात को लेकर के सच्चा डेरा के समर्थकों और निहंग सिखों में जो है एक सामाजिक असंतोष की भावना जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसी बात को लेकर के पंजाब के तमाम सिख समुदाय से उन्होंने यह आग्रह किया है कि आपस में आपसी भाईचारा बनाए रखें, धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखने के लिए आपस में भाईचारा बनाए रखें, साथ ही दोस्ती से और प्यार से जो है व्यवहार बनाए रखें। कोई भी ऐसा व्यवहार ना किया जाए कि जिससे सामाजिक भाईचारा टूटने के कगार पर आए और इसका फायदा किसी असामाजिक तत्वों को उठाया जा सके और ऐसे असामाजिक तत्वों को जवाब देने के लिए आपस में भाईचारा बनाने की बात जो है पंजाब के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने किया है और साथ ही पंजाब की आम आदमी सरकार को यह चेतावनी भी दी है कि ऐसे मामलों को लेकर के जल्द से जल्द जो है इसकी सुनवाई की जाए, इसकी तहकीकात की जाए और ऐसे मामले जो है सरकार पर सवाल उठाते हैं, सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, ऐसे मामले जो है सरकार पर कलंक है, इस बात की चेतावनी को लेकर के पंजाब के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने सरकार पर लगाए कई आरोप। इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इस बात को लेकर के आपके क्या विचार है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।